30 जुलाई सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षा अमृत। प्रभुपाद ने एक हमारी गुरु बहन अरंधति को पत्र लिखा 30 तारीख 1972 को, उसमें से ये शिक्षा ली गई है। बच्चों की पूजा करना विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। बच्चों का बड़ा ध्यान रखना है। यदि तुम अपने बच्चे के साथ समय नहीं बिता सकते तो पुजारी की अपनी सेवा रोक दो। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हुए हैं, ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी है। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ से आए हैं और हम अत्यंत भाग्यवान हैं कि हम इन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसकी उपेक्षा ना करो। तो बच्चों के लिए मतलब घरों में जो गृहस्थी, प्रभुपाद जी ने बहुत सारे गृहस्थी भक्त बनाए, अरुंधति माता भी गृहस्थी थी, तो वो बच्चों के बारे में शिक्षा ले रहे हैं। जो गृहस्थी भक्त हैं उनको अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों को जैसे संस्कार दिए जाएंगे बड़े होकर भी वैसे बनेंगे। और प्रभुपाद ने बच्चों की सेवा गृहस्थ भक्तों के लिए कितनी ज़रूरी बताई कि अगर तुम पुजारी की अपनी सेवा रोक दो, वो पुजारी की सेवा करती होगी अरुंधति और बच्चों का ध्यान नहीं कर पाती होगी। हमें श्री कृष्ण द्वारा ये बच्चे प्राप्त हैं। भगवान अच्छी अच्छी आत्माओं को भक्तों के घर में भेजते हैं, ये वैष्णव हैं और हमें अत्यंत सावधानी से इनकी देखरेख करनी चाहिए। तो जो धार्मिक बच्चे हैं, अभी पहले तो आजकल घरों में बच्चे जो हैं शुरू से गलत मार्ग पे चल रहे हैं, जो आध्यात्मिक हैं प्रभुपाद जी के इस कथन के अनुसार वो भगवान के भेजे हुए हैं, तो उनका ध्यान रखना हर गृहस्थी का कर्तव्य है। गृहस्थियों के लिए ऐसा बताया है शास्त्र में, जो माँ बाप अपनी संतान को उन मुक्ति ना दिला सकें उन्हें माँ बाप नहीं बनना चाहिए, जो गुरु शिष्य को मुक्ति ना दिला सकें उन्हें गुरु नहीं बनना चाहिए। तो गृहस्थियों के बच्चे जो भक्त गृहस्थी हैं, प्रायः लोग भक्ति से दूर जा रहे हैं, भक्ति से ये श्लोक है, भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, गुरुना सा शयात, सज्जनों ना सा शयात, पिता ना सा शयान, जननी ना सा शयात, देवम ना तस्यात्र, पतिश्च सा स्वात्र, मोचयेद्या समूपेत मृत्युतम। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार ना सके,
उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये ऋषि भगवान की शिक्षा है अपने 100 पुत्रों को। ऋषि भगवान कौन थे? ये अवतार थे भगवान के, ये राजा थे। ऋषि भगवान के 100 पुत्र थे और उन्होंने आखिरी शिक्षा जो पुत्रों को दी थी, उन्होंने अपने पुत्रों को बढ़ाया 100 पुत्रों को, और ये शिक्षाएं बड़ी सुंदर शिक्षाएं। असल में उनके 100 पुत्र तो माध्यम थे, ये शिक्षा जन साधारण के लिए है, सभी के लिए है, सभी को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माध्यम से जो बच्चे संसार में आए हैं, हमारा ये कर्तव्य नहीं है उनको संसार में धकेल देना मोह माया में उनको, क्योंकि उनको अगर उनमें अगर धार्मिक रुचि है फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको संसार में धकेल दें। प्रायः लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रायः बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है। कोई भाग्यशाली ऐसी आत्माएं होंगी जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। हर गृहस्थी को चाहिए कि अपने बच्चे को मुक्ति पथ पर अग्रसर करे, तब वो माता पिता बनने के लायक है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर माता पिता बनने के लायक नहीं है। अभी देखो, गुरु कृपा से हम ये प्रयास करते हैं कि जो प्रेरणा से हमारे संपर्क में आते हैं, अंदर की प्रेरणा से, प्रायः प्रेरणा से आए हैं यहाँ पर जितने भी हैं प्रायः, तो हम चाहते हैं वो भक्ति पथ में आगे बढ़े। पर अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है, उनका बड़ा दुर्भाग्य है। तो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम का अर्थ है जिसका आश्रय लेकर हम भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़े, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम का यही एक ही कर्तव्य है कि जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना। अपना ये जो आवागमन है, ये जो जन मन का चक्र है, इसे समाप्त करना। इसे एक बात और आपके ध्यान में हम लाएं, ये प्रभुपाद जी ने कहा है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए मैं अगले जन्म में करूँगा। अरे अगर एक भी जन्म लेना पड़े बहुत दुखदाई, माँ के गर्भ में आना बहुत दुखदाई, 9 महीने तक उल्टे लटके रहना, ना बच्चा इधर हिल सकता है ना इधर, उसे सब भान है, सब पता है उसको, और गर्भ योनि में वो भगवान से प्रार्थना करता है, ये भगवान मुझे इस नरक से निकालो, गर्भ योनि बहुत दुखदाई है और मैं आपका भजन करूँगा। जैसे बच्चा जन्म लेता है वो भूल जाता है इस बात को। तो संत महात्मा, प्रभुपाद जी जैसे महात्मा, प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव हमें याद दिलाते हैं जो भगवान के भेजे हुए हैं। और सच्चे संत जो भी हैं वो लोगों को याद दिलाते हैं, भाई भगवान की ओर मुड़ो, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, इससे तुम निकाल दिए जाओगे, आज नहीं तो कल, परसों, नरसों, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जब तक तुम यहाँ हो अपना कार्य करने का प्रयास करो। इस नश्वर संसार में
शाश्वत घर बनाने का प्रयास मत करो। जितना तुम इस संसार में मन को लगाओगे, संसार से जितना मोह उत्पन्न करोगे, कल को अब ये संसार त्यागना पड़ेगा, उतना ही कष्ट तेरे को होगा। एक कथा मेरे को छोटी सी प्रभुपाद जी की, पूरी याद तो नहीं है, तो उसका सार मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति बहुत अमीर आदमी था, ये प्रभुपाद सुनाते हैं घटना, सत्य घटना है। तो लेकिन बेचारा मोह माया बसा रहा, वो बहुत बड़ा घर था उसका, तो घर से उसका बड़ा प्रेम था, प्रायः लोगों का ऐसा ही है। और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, और उस घर से उसका प्रेम होने के कारण, और फिर ऐसा वर्णन आ रहा है, मुझे पूरा याद तो नहीं है, कि अगले जन्म में वो चमार बना और उसी घर के सामने उसने अपने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। उसके बच्चे जो थे वो बड़े धनी पैसे वाले, ऐसा वर्णन आता है, उन्होंने उसको मारा चमार का, तू यहाँ एक चमार का काम करने की जगह है। अभी ये पूर्व जन्म की कथा प्रभुपाद सुना रहे हैं, उनको नहीं पता ये हमारा बाप है, पूर्व जन्म में हमारा बाप था, अभी जन्म में ये चमार बन गया। तो कर्मों की गति बड़ी गहन है, पर ये जो भक्ति पथ है जो लुप्त हो रहा था, जिसे प्रभुपाद जी ने जागृत किया पुनः, इसके द्वारा हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। देखो देखी मत करो, ये नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा, ये करेगा तो मैं करूँगा। एक हमारा शिष्य था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का जो शिष्य था, मैं दीक्षा ली, को अच्छी प्रेरणा हुई उसको, फिर हम कहते हैं भाई तुम आओ भक्ति करो भी। उसकी एक लड़की थी, उसकी शादी करनी थी, हमें उसने निमंत्रण दिया, हम तब लंदन में थे, तो वहाँ भी कुछ कार्यक्रम चल रहा था, हम छोड़ के आ गए उसकी लड़की की शादी में। लेकिन वो इतना मोहग्रस्त, जब कोई बच्चा नहीं, एक ही लड़की चली गई ससुराल, वो मोह माया छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर एक दिन कहता है इसको भक्त बनाओ तो मैं भी बन जाऊंगा। वो कौन था? सुबल दास। सुबल दास के वो संपर्क में था, सुबल दास बन गया भक्त, पर वो नहीं बना बेचारा। अभी पता नहीं भारत से लड़की उसकी, उसका लड़की का जो पति था वो अफ्रीका में काम उसके पास था, पता नहीं लड़की के पास, अभी उसकी पत्नी मर गई और अभी सुना अफ्रीका में चला गया। तो मोह इतना प्रबल है, ये हमको बद्ध कर देता है बुराइयों के लिए। इस मोह रूपी फांस को, मोह रूपी रज्जू को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा तोड़ना है हमने। जब हम भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे मन में विराग आएगा, इस संसार से हमारे मन में विराग उत्पन्न होगा। और भक्ति कैसी शुद्ध भक्ति होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। अगर सकाम भक्ति है उससे संसार में फंसे रहने की भावना जागृत होगी, संसार से विराग नहीं आएगा। संसार से विराग तो निष्काम भक्ति से आएगा। और दूसरी बात, हमें विराग ऐसे जो महापुरुष हैं, प्रभुपाद जी के जो महान, प्रभुपाद जी जो महान सिंहासन पर विराजमान हैं, व्यासासन पर विराजमान हैं, ऐसे भक्तों की कृपा की याचना करने से भी हमारे मन में विराग आ सकता है। हरि बोल। कथा सुन रहे हो आप? उधर मैं इसमें नहीं, मोबाइल चलाओ, कोई बड़ी इमरजेंसी है तो चलाओ, नहीं तो इधर ध्यान दो, अपराध हो जाता है वो।
हाँ बाद में कर लेना। तो जो संत विरागी हैं, जिनके मन में विराग है, वो निमित्त बनते हैं दूसरों को भी विराग देने के लिए। अरे भाई जरा विचार करो, आपने अगर अपने मन में विराग उत्पन्न नहीं किया, कल को जब सब छोड़ना पड़ेगा, वो तो निश्चित है, वो पक्का है, वो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे एक दोहा कहते हैं ना कबीर जी का, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। जो आया उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा है, रंक है या फकीर है, कोई भी है, अमीर गरीब छोटा सबको, लेकिन जाने जाने मंत्र इसको बंद कर दो पंखे। जाने जाने मंत्र, अनजाने जाने मंत्र क्या है? एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? ऐसे महापुरुष जिनके मनों में संसार के प्रति वैराग हो गया। और मैंने ये कृपा देखी इनकी, देखो हमारे हरिदास जी ने भी एक वैश्या को परम भक्त बना दिया था, ये 83-84 की बात है। तो जर्मनी से एक माता आई वहाँ पर, उसे ऐसी बीमारी थी, कोई शरीर छोड़ने के लिए वृंदावन आई। तो उसकी बैकग्राउंड पता लग, पहले क्या था, पहले वैश्या थी वो। अभी इतना विराग इनकी कृपा से उसके मन में आया कि वो भक्ति में आ गई और बड़ा भाव जागृत हो गया। उसको ऐसा रोग, शायद कैंसर था उसको, आ गई तो मैं कभी देखने जाता उसको कमरे में, तो उसका पति पास बैठ के रोता था कि देखो कितना बेवकूफ़ रो रहा है मेरे लिए, वो कह रही है। तो हमारे महाप्रभु ने, भगवान ने जगाई मिटाई, महापाठ की थे, सब निंदनीय काम करते थे, उनको भक्त बनाया। प्रभुपा जी ने, ये विदेशी लोग जितने भी थे, ये क्या थे, सब स्त्रियाँ वैश्या और पुरुष सब बेकार कर्म करने वाले, एक पुरुष की कई स्त्रियाँ, एक स्त्री की कई पुरुष, ये देखा गया, लेकिन उनको भक्ति में लगा दिए। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी दूर की बात है। और ये बातें भारत में भी होने लगी। भारत तो ये भगवान की भूमि है, लेकिन इन विदेशियों का प्रभाव यहाँ भी आ रहा है। तो ये मोह जो है, इसका हमने परित्याग करना है। अगर भाई नहीं परित्याग करेंगे, ऐसे ढीले बने रहे, कल को बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, उससे फिर कोई नहीं बचा सकता हमको। इसलिए सभी को भक्ति पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई नहीं बढ़ रहा, उनका दुर्भाग्य है। अगर हमारी समझ में आता है तो हम बढ़ें, क्योंकि एक बात याद रखो, हम एक दूसरे को तो भाई हम मानते नहीं, परिवार के लोग नहीं मानते, ये प्रायः हम कहते हैं। एक बात को जो लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये बातें कहते हैं। अभी जैसे कई कहते हैं भाई स्वामी जी आप हमें अभी मिले, पहले मिलते तो हमने इस ग्रस्त में प्रपंच में पढ़ना ही नहीं था, बहुत सारे कहते हैं। तो अगर आप किसी के प्रभाव में आ जाते हो, परिवार के प्रभाव में आ जाते हो, पर एक बात याद रखो, चाहे इंटरनेट में सुनने वाले हैं या यहाँ हैं कहीं भी हैं, कि जाना संसार से अकेला पड़ेगा, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिनके प्रभाव में आकर तुम भक्ति छोड़ रहे हो, कल को ये लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आए भी अकेला और जाए भी अकेला, दो दिन की जिंदगी और दो दिन का मेला। लेकिन हम शुद्ध नहीं होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, ये नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, अच्छा भाई नहीं मान रहा, कल जब आपको जाना पड़ेगा तो नहीं माने, नहीं जाना है तो अब नहीं जाओगे, फिर
वो आपके हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कहा है ना, हानि लाभ जीवन मरण, जश अपजश विधि हाथ, फायदा नुकसान जीना मरना, या यश या अपयश, ये विधि के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में ये नहीं है। तो हम लोग अविद्या में होने के कारण बहुत सारी अविद्या पूर्ण बातें करते हैं और समय बीतने पर पछताते हैं। और याद रखो, ये समय बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल है। एक आदमी की मृत्यु हो गई, समय की कीमत, प्रभुपाद कृपा से प्रभुपाद ने ये बात समझाई है। वो अरबोंपति आदमी था, उसके लड़के रो रहे हैं, हमारा बाप मर गया, सारे रो रहे हैं। तो एक लड़का डॉक्टर भी खड़े हैं, अभी अभी मृत्यु हुई उसकी, कहते डॉक्टर कितनी दौलत चाहिए तेरे को, हम दे सकते हैं तुमको इसको, मेरे पिता को एक बार तुम जिंदा कर दो। दुनिया की दौलत लगाने से पिता का एक श्वास वापस नहीं लिया जा सकता। एक जो चले गए श्वास दुनिया की दौलत लगाने से एक वापस नहीं आ सकता, और दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास उसमें डाल नहीं सकते। फिर प्रभुपाद समझाते हैं, समय अगर ये धन है तो कितना धन हमने नष्ट कर दिया। एक एक श्वास अनमोल है, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। हर श्वास है भगवान का भजन करो, हमें ऐसा अभ्यास नहीं है तो फिर भगवान के लिए कार्य करो। और जो भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया भगवान के लिए मारा, वो भी सब भक्ति हो गया। कृष्ण के लिए जो करेंगे वो भक्ति है, और कृष्ण से विमुख होकर जो करेंगे वो बंधन है। सीधी सी बात है, प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए घर बार छोड़ा, कष्ट उठाए, दुनिया भर के कष्ट उठाए। और याद रखो, सारे कष्ट तो हैं, और जो ये कहते हैं भक्ति में बड़े कष्ट हैं, अरे जो भक्ति नहीं करते उन्हें तो भक्तों से भी ज़्यादा कष्ट लगते हैं, भक्तों से भी ज़्यादा परेशान होते हैं। कष्ट ही कष्ट हैं, ये संसार दुखों का घर है। मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है। इसलिए हर गृहस्थी प्रयास करो, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, संतान को अच्छे मार्ग पर लगाओ, मत धकेलो उसको संसार में। बच्चे में बचपना है, वो नहीं समझ सकता इन बातों को, बचपना है। समय बीतने पर वो समझेगा, पर गया समय वापस थोड़ा ला सकते हैं आप, नहीं, अभी से समझो। और देखो, हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है, पुत्र चाहते हैं गृहस्थी, अभी नहीं चाहते, अभी वो चाहते हैं लड़का, पहले पुत्र चाहते थे। कौन सा अभी लड़का चाहते हैं, पुत्र कोई नहीं चाहता। पुत्र का अर्थ क्या है? पू नाम नरक का है, त्रा जो उसमें से निकाले उसे पुत्र कहा है। पुत्र लोग नहीं चाहते, लड़का चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये भावनाएं खत्म हो गई कि हमने भगवत प्राप्ति करनी है। तो अगर किसी को कभी भी समझ आता है, जैसे प्रभुपाद कृपा से अनेकों लोगों को दुनिया में समझ में आया, लोग समझे, लग गए इसमें, तो हमें लग जाना चाहिए। लग जाएंगे तो परिणाम अच्छा हो सकता है। और ये भी भगवान ने कहा है, स्वल्पमस्या की धर्मस्या
त्रायते महतो भयात्। जो इस मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति करता है वो अपने आप को बहुत बड़े खतरे से बचा सकता है। ये भी परमपिता कह रहे हैं, भगवान के शब्द हैं गीता में। भगवान अपने मुखारविंद से ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस प्रयास में ना तो हानि होती है भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए, ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ये आध्यात्मिक पथ, थोड़ी भी प्रगति होगी वो महान डर से हमारी रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले कर्म किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा हाँ देखो बहुत ही कोई काम शुरू किया हमने उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक काम शुरू किया मान लो कोई पूरा नहीं कर सका तो क्या हुआ? अगला जन्म उसका वहीं से शुरू होगा जैसा जो उसने इस जन्म में छोड़ा। इस जन्म में आदमी भक्ति पथ में आध्यात्मिक पथ में यहाँ तक पहुँचा, उसको यहाँ तक जाना था, अगला जन्म वो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से नहीं। पर भौतिक प्रगति में प्रभुपाल बता रहे हैं आगे जगन्नाथ कथा भी करनी है। आध्यात्मिक जगत में तो जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू करेंगे, पर भौतिक जगत में अगर यहाँ से छोड़कर हम यहाँ पहुँच गए अगले जन्म में फिर इधर से शुरू करना पड़ेगा। भौतिक उन्नति का कोई भी लाभ नहीं है, लाभ है केवल आध्यात्मिक प्रगति का। तो सब गृहस्थी अच्छे बनो, क्योंकि प्रायः लोग गृहस्थी हैं, सन्यासी या ब्रह्मचारी बहुत कम होते हैं। गृहस्थी अच्छे बनो, अच्छी संतान उत्पन्न करो और अपने भविष्य को उज्जवल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। जय।